और देखिए मैं अभी पहुंच गया हूं नदी के कात में। तो इधर नदी है, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:15 हो रहा है और आज का मौसम देख सकते हैं किस तरह का है। चारों तरफ अभी धुंध लगा हुआ है और दोस्तों सूर्योदय अभी होने वाला है। इस साइड से देख सकते हैं फ्रेश है, मौसम लाली है इस साइड से। तो अभी जो है ना सूरज महाराज उगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ, देख सकते हैं इधर मैं साइकिल पर लोड किया हूँ 2 बोरा जिसमें राख है। तो राख को मैं छींटने जा रहा हूँ अभी किरैया के खेत में। तो अभी मैं चल रहा हूँ खेत में, चलिए। और दोस्तों आज सुबह सब दिन रहता हूँ इधर, लेकिन आज हमको थोड़ा सा काम हो गया था तो ये लेकर सोचे कि चलते हैं, छीट देंगे और घूम भी लेंगे और उधर वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सरेह में फुल नेटवर्क रहता है, गांव में थोड़ा स्लो रहता है। स्लो क्या, थोड़ा भी नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं, इसको छीट देंगे। फाइनली दोस्तों अभी मैं खेत में पहुंच गया, देख सकते हैं इधर साइकिल लगा हुआ है दोस्तों। और एक बोरा उतार लिया है, एक बोरा उतारना है और एक किरैया है बंगला जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों इसी में छीटना है। तो दोनों बोरा को उतार करके छीट लेते हैं। और दोस्तों ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और देखिए दोस्तों सूर्य नमस्कार कीजिए और सूर्य दर्शन कीजिए, कितना अच्छा प्यारा सा व्यू है दोस्तों। अधून कितना लगा हुआ है देख सकते हैं। और हमारे आसपास में यहाँ पर ट्रांसफार्मर है बिजली के लिए, तो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों। दोस्तों सारा छिटा गया, देख सकते हैं इधर इतना मैं छिटाया है। और दोस्तों इधर बाकी है, इतना मैं छिटाया है, लगभग इधर 4 बोरा और लगेगा। तो इतना मैं छिटा गया और दोस्तों अब छिट लिए, अब चलते हैं दोस्तों घर सीधे। एक बोरा सबको रख लेते हैं, अच्छे से सबको साइकिल में बांध लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। और दोस्तों एक्सरसाइज करने के बाद रहा तो चलते हैं, ओ ट्रांसफार्मर दिख रहा है उसी आसपास में, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि काम जब रहता है तो काम में ही एक्सरसाइज हो जाता है काम करते करते। जैसे कि आज सुबह आया हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, इतना गोर हाथ कनकना रहा था कि रहा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट किया है थोड़ा सा छीटा है तो गर्मी आ गया है, तो अभी हाथ कनकनाई, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था तो अभी ख़त्म हो गया। ठंड तो लग ही रहा है, हाथ बहुत ज़्यादा कनकना रहा था तो वो सही हो गया। चलिए दोस्तों फिलहाल सबको रख लेते हैं बोरा सबको साइकिल पे और उसके बाद में चलते हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास में, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में घर पे चलेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज कर लिए दोस्तों और अब चलते हैं, गमछा उमछा चादर उधर बांध लेते हैं, उसके बाद में निकलते हैं दोस्तों घर पर चल के चाय पियेंगे। चाय पीने के साथ साथ जो है ना कल माल लाए हुए थे थोड़ा सा, तो उसको अच्छे से सरिया सरिया करके बांधेंगे, कैरेट में अच्छे से सरिया सरिया के बांध के, और फिर फेरी पर भी चलना है 9:30 10 बजे से। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पे। चलिए दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ घर पे, सुबह सुबह थोड़ा साइकिल वॉक भी हो गया, साइकिलिंग भी थोड़ा हो गया और थोड़ा काम भी हो गया और एक्सरसाइज भी हो गया, तीनों काम एक साथ हो गया। मिलते हैं घर पे दोस्तों। आते आते पूरी तरह से 8 बज चुका है और इस तरह का व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, चाय पीते हैं, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और चाय पीने के साथ साथ चलते हैं, माल सही आते हैं। कल इस बोरा में देख रहे हैं यही लाए हुए थे ट्राउजर उजर, तो सबको सरियाएंगे, पहले चाय पीते हैं, चाय पी के सरिया के फिर मिलते हैं दोस्तों। इसमें तो सारा सरिया लिया और गमछा उमछा, ये झोला भी सारा तैयार हो गया है, इतना बच गया है ट्राउजर खाली। और दोस्तों गमछा काटना है तो इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा है, गमछा भी हो गया कटा हुआ देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा बच गया है गमछा,
इस वाले में थोड़ा सा यही है। दोस्तों अब चलते हैं स्नान करने, सारा माल सरियाना हो गया देख सकते हैं। और दोस्तों टाइम हो गया है 9:15, चलते फिलहाल स्नान करते हैं। दोस्तों अभी आगे छत पर और पानी भर रहे हैं, पानी भर लेते हैं और बाल्टी में भी भरना है, बाल्टी में भर लेते हैं, उसके बाद स्नान करेंगे, स्नान कर लेते हैं उसके बाद में। अभी देख सकते हैं इधर कृष्णा खा रहा है पूरी, देख सकते हैं, तो ये देख रहा है मैं पानी भर रहा हूँ, नहा करके फिर मिलते हैं। दोस्तों स्नान कर लिया और अभी चलते हैं खाना खाने, और टाइम दोस्तों भी हो गया है लगभग 9:45 हो गया, आज भी फिर लेट हो जाएगा जाते जाते, तो चलते हैं खाना खा लेते पहले, उसके बाद खाना दे, खाना भी आ गया देख सकते हैं, चावल सब्जी है तो खाते हैं। माल लोड कर लिया दोस्तों, खाना वाना खा के और चलते हैं, टाइम अभी 10:30 होने वाला है, तो चलते हैं और माल देख सकते हैं हो गया लोड। दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और 10:30 हो गया है, 10:30 बज जाता है इस समय फेरी पर निकलते समय, और बैसाख जेठ में अप्रैल मई में तो 8 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे बहुत मतलब ज़्यादा ऊपर सूरज आ गया रहता है, लेकिन इस समय जो है ना 10:30 बज जाता है निकलते निकलते। चलिए फिलहाल घूमते हैं दोस्तों गांव में, मिलते हैं थोड़ा देर बाद 2-3 गांव घूम करके। दोस्तों अभी डायरेक्ट आ ही रहा हूँ और किधर घूमा नहीं हूँ, आते आते जो है ना रास्ता में एक व्यापारी बेच रहा था स्वीटर वीटर, वही एक गमछा लिया है मुँह पूछने के लिए, दोस्तों बोहनी हो गया है गमछा से, और दोस्तों अब घूमते हैं इस समय सब क्या होता है। 10:45 हो गया है दोस्तों, अभी 2:30 बज रहा है दोस्तों, अभी टाइम 2:30 बज गया है, और अभी 3 गांव घुमा हूँ, 3 गांव घूम लिया कंप्लीट हो गया, और ये चकफतिया है और इधर महारानी जी का स्थान है, तो अभी दोस्तों थोड़ा चलते हैं नाश्ता करते हैं, और अभी तक 2:30 बजे तक 1500 तक सेलिंग हो गया है, फिलहाल चलते हैं नाश्ता करते हैं, बाजू में नाश्ता का दुकान है यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बाजू में, तो चलते हैं थोड़ा सा नाश्ता करते हैं उसके बाद में निकलेंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ बांध होकर के, और देख सकते हैं मैं अभी बांध पे हूँ, और ये साइड में बांस उस सब है पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों नदी में पानी आ जाता है ना सावन महीना में, अगस्त में, अगस्त के आसपास में, तो उस समय ज़्यादा इधर जोर मारता है पानी, देख सकते हैं इधर कितना नीचे है, तो पानी इधर ज़्यादा जोर मारता है इसलिए साइड में बांस लगा दिया है, इससे पानी रोका रहेगा। तो दोस्तों कितना अच्छा व्यू है देख सकते हैं दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूमते हैं अगला गांव की तरफ, नाश्ता करके चल दिए हैं। थोड़ा सा बैक कैमरा से देख लिए दोस्तों किस तरह का व्यू है, साइड में बांस है इस साइड में नदी के साइड में, और ये साइड में गाँव सब है, भाई लोग से इधर मैच खेल रहे हैं देख सकते हैं। तो अभी घूम रहा हूँ नदी के अंदर में एक गांव है छोटा सा उसी में, और ये साइड में नदी है, और दोस्तों इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है और इधर गांव है, ये साइड में दो टावर लगे हैं तो उसी के लिए रुके हुए हैं पैसा के लिए, तो पैसा लेकर आधा से चलेंगे, और उस साइड में नदी है इधर केला के झाड़ के उस साइड में, दोस्तों इधर नज़दीक में ही नदी है देख सकते हैं, तो नज़दीक से चल के दिखाते हैं, चल रहे हैं थोड़ा सा घूम लेते हैं इधर। तो आ गए दोस्तों इधर, और देखिए मैं अभी पहुंच गया हूँ नदी के कात में, तो इधर नदी है देख सकते हैं, वो साइड में बहुत ज़्यादा चौड़ा है, पानी ज़्यादा होता है तो काटने लगता है बालू सब, तो वही सब देख सकते हैं, ये सामने थोड़ा सा है, थोड़ा सा धार है सकते हैं, और यहीं पे मतलब बाजू में सट लगले नदी के बाजू में ही टोला है छोटा सा, तो उधर ही घूमे हैं, अभी चलते हैं सीधे घर की तरफ, और मैं गाड़ी वहीं पे लगा के आया हूँ कोना पे, तो चलते हैं के बाजू में जो गांव था यही था, और दोस्तों घूम लिए चलते हैं, 450 का सीलिंग हुआ है इस गांव में, चलते हैं दोस्तों फिलहाल अगले गांव की तरफ, और दिखाते हैं बांध के अंदर में है दोस्तों, तो देख सकते हैं वही सामने वाला बांध है देख सकते हैं, और मैं बांध के अंदर में फेरी करने गया हुआ था देख सकते हैं, इधर भी बांध है
मूँगफली की खेती है और गांव भी है छोटा सा, उस देखने किए हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिलहाल। टाइम दोस्तों अभी हो गया 4:30, और दोस्तों वहां से आने के बाद अभी एक भी नहीं बिका है। एक गांव था लगभग 12 ही गांव था, लेकिन एक भी नहीं बिका है। घूमते घूमते आ रहे हैं, और दोस्तों अभी बेर डूबने वाला है, लगभग आधा घंटा में डूब जाएगा। 4:30 हो रहा है अभी। तो दोस्तों अभी चलते फिलहाल घर की तरफ, और घूमने का कोई गाँव नहीं बचा है, जितना एरिया घूमना था वो घूम लिए, और चलते सीधे घर की तरफ। जो बिकेगा सो बिकेगा, नहीं तो डायरेक्ट घर की तरफ चलते। दोस्तों टाइम अभी हो गया है लगभग 5:05 हो गया है, क्योंकि वहाँ पे रुका हुआ था तो 5 मिनट हो रहा था। तो 5:05 हो गया दोस्तों, बेर डूब चुका है और अभी अंधेरा हो रहा है। अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ, अपने गाँव के गोहिरा में हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, और वहाँ से चलने के बाद रास्ता में 200 का सेलिंग हुआ है, तो फिलहाल चलते हैं। अरे दोस्तों अभी पहुँचे हैं घर, अभी उतार दिया सब, अभी आके सब उतारा हूँ, और कैरेट भी। और टोटल रुपया ये हमारे पास है इतना, देख सकते हैं, और ये टोटल है कितना, 2615, जिसमें 300 लेकर गया था 2315 का आज सेल हुआ। वो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में। अभी इतना ही, गुड नाइट।